मुअज़्ज़म मेरे सब तो छोटे बच्चे नालों भी छोटे ने। मुअज़्ज़म उम्र च मेरे सब तो छोटे बच्चे नालों भी छोटे ने, पर इन्हां दी शायरी सुन के पढ़ के मैं महसूस करना वा कि ये मेरे नालों भी वड्डे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि इन्हां ने जिहड़ियां तरकीबां, जिहड़ियां तशबीहां, जिहड़े इस्तारे अपनी इस किताब च इस्तेमाल कीते ने, ये ना सानूं इस तों पहलो उर्दू च नज़र आते ने ते ना पंजाबी च नज़र आते ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते इन्हां दी जिहड़ी नात है ओ मैं अर्ज़ करदा रहिंदा वां कि नात कई नहीं जांदी, बेशक नात अता हुंदी है, सरकार अता करदे ने, बेशक बेशक। और इस 22 साल दी उम्र च इन्होंने जिहड़ियां नातां कह छड्डियां ने, सुभान अल्लाह, जिहड़े कलाम कह ने, जिहड़ियां तरकीबां इस्तेमाल कीतियां ने, असीं 55-56 साल वाले भी समझने आ कि साडे वास्ते रोक नहीं। और इन्होंने ओ क्यों, ये वाकई सरकार दी अता है, सुभान अल्लाह। यकीनन इन्होंने इस छोटी उम्रे कुरान दा, हदीस दा, फिका दा, सीरत पाक दा, जिन्ने साडे दीनी अलूम ने उन्हां दा बड़ा डुब के मुतालिया कीता, माशाल्लाह, बड़ा डूंगा मुतालिया कीता है कि मेरे वर्गा तालिब इलम जदों इन्हां दी नात पढ़ रहा हुंदा है ते लगदा यार फलां कुरानिया वाला है, ए फलां हदीस तो गल आई है, ए सीरत पाक दा फलां पहलू है बंदा सामने लैके आया है, ए जिहड़ा है ए फलां मज़हबी किताब च आ वाला मौजूद है, और बाज़ वेले ते अज लगदा है जिवें उस तों भी पिछे गए होए ने, और अंजील जबूर च वी इन्हां ने कुछ रवायतां जिहड़ियां ने ओह आका सलातो सलाम दे हवाले नाल चुरियां ने, और फिर उन्हां नूं अपने शेरां च इस खूबसूरती नाल लियाए ने कि बंदा जिहड़ा है ਉਹ ਦਾਦ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀਏ ਔਰ ਰਦੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀਆ ਬਤੌਰ ਰਦੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀਆ ਨਿਭਾਣਾ ਬੜੇ ਨਾਥ ਚ ਨਿਭਾਣਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗਜ਼ਲ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਆਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਥ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀਏ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਦੀਫ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਰਦੀਫ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਸੇ ਇੱਕ ਨਾਥ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੀਏ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਦੀਏ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਸੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨੀ ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਕਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਲਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲੋ, ਬੇੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
और इल्मी नात है बेशक और इल्मी नात फिक्री और फनी तजर्बात जीते ने और जो मैं ये किताब वेखी और फिर ये अंदर मैं ये देखा कि सन्ने पदेश 1999 मैं परेशान हो गया गाय ते बिल्कुल इन्ना छोटा बच्चा है नौजवानी की उम्र च एना खूबसूरत मजमुआ तखलीक किया और फिर पहली किताब जड़ी है ओदे च उस्तादाना तजर्बे की दीवान लियाना ही खुद बड़ा मुश्किल काम है और हर लफ्ज नु बतौर रदीफ निभाना औखा काम है और बड़े बड़े बंदे जड़े ने ओ दौड़ जांदे ने क्योंकि जदों असीं कहने ना मतलब अता हुंदी है या शायरी हो जाती है ते फिर ओ हो जाती है ओदे लई कोई जरूरी नहीं हुंदा कि ऐ वाली रदीफ ते जरूर गई जानी चाहीदी है ऐ वाला लफ जरूर आना चाहिए रदीफ च बस अपनी मर्जी नाल आंदी जांदी है नात रवा रवी जसी लिखते जाने गजल होंदी जांदी है यानी शायर ते ओ खुदा तो रहमत की बारिश होंदी जांदी है सुभान अल्लाह बारिश होंदी जांदी है लेकिन इन्हां ने जदों ओनू शकल दिती दीवान दी और दीवान दी शकल देंदिया कुछ चीजा शौरी तौर ते करनियां पैंदियां और इन्हां ने जिहड़ियां शौरी तौर पर भी कोशिश की जिथे वो मत लिया ने काफी मत ए बड़ा खूबसूरत सी तैबा लै आते मदीना लै आते गोल पर काफी खूबसूरती है रवायती गल्ला नहीं कीतिया मैं एदा जेड़ा है ओदे ते शेर कहने उस रदीफ ते रूटीन का मेरे वर्गा शायर हुंदा उन्हें कहना सी मदीना और बड़िया नाता लिखिया गई जाने मदीना रदीफ और मतलब मैं भी एक अद्धी लिखी होगी और भी बहुत सारे ने लिखिया ने लेकिन ओदे च नवापन के ये रदीफ ते लियाना है और काफिया लियांदा है वगैरा लियांदा है ठीक है सुल्तान नू एक खूबसूरत सुल्तान महमूद पिछली वारी साडे मेहमान सन और ओना नु भी एक वगैरा ते बड़ी खूबसूरत नात अता होई है लेकिन इन्हां ने भी उत्थे कमाल कीता और ओदे ते खूबसूरत नात कही और अच्छी नात कही है पर मैं समझ ना के इस नौजवान ने अपनी उम्र तो बहुत वड्डी शायरी मैं इन्हां नू बहुत मुबारकबाद देना मैं बहुत दुआ करना के अल्लाह ताला इन्हां नू नजरे पद तो बचाए और इन्हां नू दुनिया दी परेशानियां तो और मसाइल तो बचा के इन्हां नू आका सलातो वस्सलाम दी हमद व सना और सिफत व सना लाई रखे और असीं इंज दे सोहणे सोहणे